धीरे धीरे हमारे सहयोगी भी आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सूर्य देवता भी अस्त होने पर आ गए हैं। हमारे साथ जुड़े रहे और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब धीरे धीरे जो ये दिव्य औषधियाँ हैं, ये जड़ी बूटियाँ हैं, इनके बारे में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, डिटेल वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाएंगे और वो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए यहाँ के पत्थर कैसे सफ़ेद पत्थर हैं वो ज्ञानों के। तो इस तरफ आपको जितने भी ये घने जंगल दिखाई दे रहे हैं, ये मैदान दिखाई दे रहे हैं, ये बुग्गीदार बुग्याल हैं और बहुत ही सुंदर बुग्याल हैं। अमूमन जो घास हमें अपने घरों के आसपास देखने को मिलती है वो काफ़ी हार्ड होती है, काफ़ी सख्त होती है, लेकिन यहाँ जो बुग्यालों में घास है वो काफ़ी सॉफ्ट है, बुग्गीदार है, लाइक ए कॉटन, कॉटन की तरह है एकदम। हॉल भी चलो जो ये है वो बुग्गीदार घास जिसका मैं आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, और यहाँ के पूरे बुग्यालों में अब आपको यही देखने को मिलेगी। तो यही है वो बैदनी बुग्याल की खूबसूरत पहाड़ियाँ जिनको देखने के लिए हम सब लोग सुबह से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, पर फाइनली यहाँ हम लोग पहुँचे। आज की रात हमारी कुछ इसी प्रकार से कटने वाली है, तो हमारे सहयोगी को अभी काफ़ी एनर्जी मिल चुकी है, बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा थक गया हूँ, लेकिन यहाँ आने की जो खुशी है उसके बाद जितनी भी थकान है वो थकान बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी। तो यहाँ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, बस आप उस दृश्य का आनंद लीजिए। तो ये है यहाँ के खूबसूरत लॉन, जो ये टेंट लाइन से ऊपर है, टेंट लग रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर। भाई साहब प्लीज 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 भाई साहब कंपार्टमेंट नीचे मिला हुआ है। तो हमारे अध्यक्ष जी भी हमसे पहले यहाँ पहुँच चुके हैं, तो आज अध्यक्ष जी के सौजन्य से मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी आपका पेज अलंकरण होना है, आप हमारा मेन गेस्ट हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले रात्रि विश्राम का इंतजाम करते हैं और फिर बाकी के कार्यक्रम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आज रात्रि को बैदनी बुग्याल में हमारी रात्रि भी कुछ इस प्रकार से कटने वाली है इन्हीं हटों के अंदर, और देखिए कुछ इस प्रकार से इंतजाम किए जाएंगे, और कुछ ही समय के बाद हम भी प्रारंभ करते हैं टेंट लगाना, और सूर्य देवता यहाँ से कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं। वक्त इन दिव्य पुष्पों के साथ खेलने का, इनके ऊपर चलने का जो अनुभव है ना वो काफ़ी अद्भुत है, मज़ा आ रहा है। वाह, तो सहयोगी के सौजन्य से यहाँ तक मिल गए। अभी धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है, तो काफ़ी ठंड भी यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन हम तो लेके आए काफ़ी मोटी मोटी जैकेट, तो हम लोगों को तो किसी प्रकार की कोई फिक्र करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और रात को यहाँ भारी बारिश भी हो सकती है। धीरे धीरे हम बैदनी कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं, और बैदनी कुंड का वो खूबसूरत दृश्य अभी आपको कुछ ही सेकंडों के बाद देखने को मिलने वाला है, और इसी खूबसूरत दृश्य को आप सभी तक पहुँचाने के लिए केडी वर्ल्ड यहाँ तक पहुँचा है। तो आपका इंतज़ार कुछ ही सेकंडों के पश्चात समाप्त होने वाला है। तो ये है हमारा वैदनी कुंड, ये देखिए, और आनंद लीजिए वैदनी कुंड का। ये देखिए वैदनी कुंड में यहाँ पानी है, और इस तरफ चारों तरफ खूबसूरत बाउंड्री बनी हुई है वैदनी कुंड की, चारों तरफ से देखिए। तो वैदनी कुंड का जो ये तालाब है, यहाँ आपको आसमान और गहरे घने बादल और बिल्कुल लाल कलर के बादल दिखाई दे रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी का प्रतिबिंब है एक। तो इस प्रकार से आप परिक्रमा कर सकते हैं वैदनी कुंड की, ये चारों तरफ से घूम करके मैं आपको परिक्रमा करके दिखाऊंगा,
और फिर फाइनली हम उस स्थान तक पहुंचेंगे जहां कल सभी देवी देवता एकत्रित होंगे, माँ नंदा भगवती की डोली रहेगी और बहुत सुंदर दृश्य वो रहेगा है। तो ये जो मंदिर है कुराड़ वालों का है, ग्राम पंचायत कुराड़ वालों का है, तो वहाँ पहुँच कर इसको जो है कुराड़ों, तो इस मंदिर में पूजा करने का अधिकार सिर्फ ग्राम पंचायत कुराड़ के लोगों को और जो मुख्य रूप से पुजारी अधिकृत किए जाते हैं उनका है। तो ये भी बहुत ही सौभाग्य की बात है स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद ग्राम पंचायत कुराड़ से हूँ और वहाँ का मूल निवासी हूँ, तो मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है और आज मुझे आने का मौका मिला तो ये मेरे लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वाले एंगल से कुछ ऐसा दिखाई देता है बैदनी कुंड। तो बैदनी कुंड के चारों तरफ ये सर्कल बना दिया गया है, ये बाउंड्री वॉल बना दी गई है ताकि जो जंगली जानवर हैं या पालतू जानवर हैं वो इस पवित्र बैदनी कुंड के अंदर प्रवेश न कर सकें बहुत जल्दी से। तो यहाँ आकर इस पवित्र कुंड की परिक्रमा करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप भी जब भी यहाँ आएँ परिक्रमा ज़रूर करें। वीडियो लंबा होगा कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इस खूबसूरत कुंड के दर्शन करवाने भी तो आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी हैं, तो उसके लिए समय की वैधता कहीं मायने नहीं रखती है। स्पेशली मैं अपनी बात करूँ मेरे लिए तो कहीं नहीं रखती है। तो ये है वो मंदिर जो ग्राम पंचायत कुराड़ का है, यानी कुराड़ के जो ग्राम पंचायत कुराड़ के जो देवी देवता हैं उनका है। तो बैदनी कुंड के चारों तरफ के दृश्य में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दर्शन करवा रहा हूँ। तो ये ना सोचिए कि वीडियो लंबा हो रहा है, ये सोचिए कि ये इतना महत्वपूर्ण समय और इस समय में होने वाला पूरा घटनाक्रम जो मैं आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है, समय की वैधता महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि हम भी तो अपना महत्वपूर्ण समय, अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय और योगदान आप लोगों के लिए दे रहे हैं। सबसे पहले आप बैदनी कुंड के दर्शन कीजिए और फिर डिटेल में हम बैदनी कुंड के का जो महत्व है उसके बारे में आपको बताएंगे, और उसको बताने के लिए होंगे हमारे साथ कोई यहीं के स्थानीय लोग या जो हमारे पुजारी जी हैं वो लोग, और उन्हीं की वाणी से उन्हीं के ज्ञान चक्षुओं से हम इस पर प्रकाश डालने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि बैदनी कुंड दिखने में बड़ा विशाल है लेकिन इस वक्त यहाँ पानी काफ़ी कम हो गया है, देखिए कुछ एक हिस्से में यहाँ पानी है और बाकी का जो हिस्सा है वो काफ़ी दलदल है और उस बीच में कुछ बुग्गीदार घास जमी हुई है। तो ये है पूरा सर्कल जिसका हमने एक चक्कर लगा दिया है, और ये चक्कर लगाना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि आप बैदनी में आएँ और बैदनी कुंड का चक्कर ना लगाएं तो वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है। तो धीरे धीरे हम पूरे कुंड के का पूरा चक्कर लगा चुके हैं और आप लोगों को भी पूरा दर्शन हम लोग करवा चुके हैं। तो यही है वो दिव्य स्थान जिसे देखने के लिए देश भर से और दुनिया भर से सैलानी यहाँ आते हैं, तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, और जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ आकर उन्हें बेहद सुकून मिलता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, उनकी हार्दिक इच्छाएं पूरी होती हैं।
तो फाइनली अब आपको दिखाते हैं मंदिर, सनातन धर्म की आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है। जय महादेव, जय महादेव आपका भाई। तो देखिए यहाँ हमारे महादेव जी भी पहुँच गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। जय नारायण, मुझे किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कि आप यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ देखकर अब काफ़ी खुशी हो रही है। और देखिए ये हैं हमारे बैदनी में पवित्र मंदिर, और इन्हीं मंदिरों के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। कल दोपहर में, क्योंकि अभी शाम का वक्त है, बहुत अंधेरा हो गया, तो आपको पूरे मंदिर के दर्शन हम लोग करवाने वाले हैं। और कल तो यहाँ बहुत ही सुंदर दृश्य आप सबको देखने को मिलने वाला है। तो आज शाम की इस खूबसूरत जर्नी में हम लोग आपसे कुछ ही देर के पश्चात अलविदा लेंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में, इस सेशन में इतना ही। कल सुबह फिर आपको एक नई सुबह के साथ कुछ नए दृश्यों से रूबरू करवाएंगे। तो आज के लिए केडी वर्ड में इतना ही है। आप केडी वर्ड में इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहे, मैं दिल की गहराई से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है आप इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल से और हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहेंगे, और हम भी आपको ऐसे ही दिव्य स्थानों के दर्शन करवाते रहेंगे, उत्तराखंड की लोक संस्कृति से लगातार आपको परिचित करवाते रहेंगे, रूबरू करवाते रहेंगे। तो लेता हूं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम, जय मां नंदा भगवती।